बोले तुम में यदि दोष देखने की वृत्ति नहीं होती तो तुम जितने अच्छे होते
अब गुलाब के फूल में उसको काटे ही दिखे, फूल नहीं दिखे, समुद्र की गहराई और व्यापकता नहीं दिखे, तो स्वाद ही दिखा। कोयल की आवाज का आप आनंद लीजिए ना। तो हमारी प्रवृत्ति में स्वभाव अपना बनाना पड़ेगा। कहीं भी चले जाइए, अच्छा बुरा सबका मिश्रण ही है। नामंत्रमक्षरमस्ति नानौषधिवरस्य अयोग्य पुरुषनास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। बोले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ही दोष है, कुछ गुण है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो बिल्कुल बेकार हो। वनस्पति में क्या औषधि गुण होते हैं? हम लोगों के लिए जो पौधा बेकार है वो आयुर्वेद वाला कहेगा, अरे आपके बगीचे में ये है, इससे तो ये औषधि बनती है। आयुर्वेद का एक बड़ा मजाक है, थोड़ा सा मजाक विनोद के लिए। आयुर्वेद मतलब क्या? यस्य कस्य तरोर्मूलम् येन केन प्रपेशयेत्। मतलब कोई भी पत्ती व्यक्ति दिखे तो उसको तोड़ो, पत्ती जड़ मूल इसको सीरियस मत लेना। ब्रह्म यस्य कस्य तरोर्मूलम् येन केन प्रपेशयेत्। किसी से भी कुछ मिला चूरा कर लो जड़ी बूटी और बोले क्या करें, बोले यस्मै कस्मै दातुं, किसी को भी दे दो सामने। बोले होगा क्या, यद्वा तद्वा भविष्य, कुछ न कुछ तो होगा। जड़ी बूटी पत्ती तो आयुर्वेद वाले बताते हैं कि इसमें दो ये गुण है इसमें। तो यहां कोई भी चीज बेकार नहीं है, बेकार है तो अपनी दृष्टि। लेकिन चश्मा नजर बदलो तो नजारा बदल जाता, गुण दोष में। तो यहां पर एक ऐसी दृष्टि दी है, बोले आप अच्छा अच्छा देखिए, सरो उठ्या सूर्यासन। अच्छा अच्छा देखने से लाभ हमको ही होने वाला है, दूसरे को नहीं हुआ। बहुत सारे किस्से हैं, वो सॉक्रेटिस का सॉक्रेटिस सुक्रा, उसकी नाक बहुत बड़ी थी। बोले अरे तुम तो एकदम से क्रूर दिखते हो, इतनी बड़ी नाक। तो उसने कहा ये भगवान की बड़ी कृपा है कि ये नाक आपको नहीं मिली, केवल मेरे को नहीं मिली। बोले तो नाक क्या है, बोले इसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते, पॉजिटिव थिंकिंग। एक व्यक्ति के ऊपर किसी ने राख डाल दी, तो उसका भगवान की बड़ी कृपा है, वैसे मैं इतना पापी हूं कि मेरे को मेरे ऊपर अंगारे गिरने चाहिए, लेकिन भगवान ने राख गिरा के बचा लिया। तो कहने का अर्थ क्या है, बुद्धि निर्मल हो जाए तो फिर सब कुछ क्या कहते हैं, मन चंगा तो कठोर ही रहे। यहां पर यही प्रार्थना है कि आप सद्गुरु हैं, हम आपको देखें, ऐसा हमारा विचार हो जाए, ऐसा अंतकरण हो जाए, चमाचम चमक जाए जिससे आप दिखाई पड़े। यह प्रार्थना है पांचवें मंत्र में, या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशंता विचाकशी। आप लोग यदि रुद्र जानते हो, रुद्री ये रुद्री का ही भाग है, आगे का भी रुद्र। यहाँ से रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिन तया नस्तन वाहन तया गिरिघंता विचाकशी या विषुं गिरिघंतहस्ते विवर्षस्तवे शिवां गिरित्तदां कुर्माहिदं शिवपुरुषं जगत। वीर पाठ
तो वो रुद्र में का ये बात कहते हैं, यहाँ भगवान शंकर से प्रार्थना है बार बार, यह रुद्र शिव और ये शब्द आया, क्या प्रार्थना है? बोले आपकी जो मंगलमय मूर्ति है, शिव शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव संस्कृत शब्द है शिवा, क्योंकि यहां मूर्ति मूर्ति के लिए ये संबोधन दिया कि आपकी जो मंगलमय मूर्ति है और आप कैसे हैं, दो तीन चीजें हैं। मूर्ति के शब्द है तनु, तनु मतलब मूर्ति, तनु मतलब शरीर होता है, वो कैसी है? तो बोले एक तो मंगलमय है, दूसरी अघोरा, शब्द अघोरा, अघोरा मतलब जो घोर नहीं है, भयंकर नहीं है, सौम्य है, अघोरा, अपापकाशिनी, अपापकाशिनी मतलब पुण्यमयी है, पुण्य प्रकाशिनी है, पवित्र करने वाली ऐसी आपकी मूर्ति, और तया विश्रेणी में उसके द्वारा आप क्या करें, तया नस्तलुआ, नहवतवावाई तलुआ शांतमया, जो आपकी शांत मूर्ति है वो हमारी ओर देखे अभिचार कृष्ण। तो भगवान का नाम है गिरिशंतो, गिरिशंतो तो गिरौ सित्वा शम सुखम तनोति, बहुत सुंदर, पर्वत पे बैठकर जो सदगुरु शांति प्रचार करे, शांति का वातावरण फैलाए, वो है गिरिशंत। शिव जी कहाँ विराजमान है? तो बोले कैलाश, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, गुजराती में बार बार नमस्कार गिरिशंत। तो आप ऐसे हिमालय पर विराजमान, वर्ण पढ़िए रामायण में, सिद्ध सपो तपोधन जो भी जन, देखो शिवजी जो है ना, एक तो सौम्य मूर्ति सात्विक रूप, उसी का यह वर्णन है, और दूसरा उनका रूप कैसा है, घोर रूप, और जब तांडव करते हैं, जब संहार करते हैं, घोर रूप, उनका एक तामसिक रूप है या भूत और प्रेत के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ, तो इन्हीं लोगों ने काफी मदद की शिव ने श्रृंगार करने में, जानते शिव विवाह का प्रसंग, शिव जी बैठे हैं वहां, वर्णन बड़ा अच्छा है, सारे विष्णु आदि जो लोग हैं इंद्र वगैरह, ये तो बढ़िया बढ़िया इन्होंने सूट रूप सिला दिया, पीताम्बर वगैरह चमकदार, वो सब पहले चल पड़े, जो दूल्हा है उसको ख्याल ही नहीं। शिव जी के गण आए वाले आ रहे हैं, हमारे स्वामी का सब कुछ जो मुख्य, तो उन्होंने शुरुआत करी श्रृंगार, श्रृंगार मतलब क्या किया, तो तरह तरह के अलग अलग आकार के सांप लाके पहना दिए, छोटा सा इधर एक बिल्कुल छोटा सा था वो सिर के ऊपर आवरण, स्मशान की बस ले आए पावड़ा। तो मैं वर्णन क्यों कर रहा हूं कि शिवजी के ऐसे अलग अलग रूप, स्मशान वासी है और कैलाश वासी, यहां पर सौम्य रूप का या सब कुछ धवल है, स्वच्छ है, सफेद बर्फ है, जैसे कर्पूर गौरम, कर्पूर के रंग का भगवान शिव का वर्णन, कर्पूर गौरम करुणाव का, तो ऐसे शिव जी है। अच्छा देखिए एक शब्द अघोर है मतलब सौम्य है बोल दिया, फिर लिखते हैं कि अपापकाशी, सौम्य के लिए यहां लिखते हैं कि शशि बिंबम इव आह्लादिनी, भगवान का चेहरा आया
आकृति उनकी कैसी है, चंद्रमा के समान सौम्य आह्लादिनी आह्लादिनी। ये सौम्य शब्द सोम से ही आया है। उपनिषद में जितने भी विद्यार्थी सब सौम्य है, हे सौम्य सदैव सौम्य इदमग्रास। तो सोम के समान जिनकी इनकी चर्या मुखचर्या इनकी वाणी सौम्य, ऐसा नहीं लिखा हुआ हे उग्र उग्र नहीं, तो वाणी धन 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 पत्थर बरसते चंद्र का सौम्य। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आप कौरल को शीतल करे आप ही शीतल। वाणी पर तो बहुत सारा दुनिया निर्भर है। पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि आपने इतना बड़ा ये मिशन खड़ा किया है, लगभग 25 से ज्यादा देशों में चिन्मय मिशन है, भारत के 250 से ज्यादा शहरों में 250 केंद्रों में, और इतना बड़ा मिशन कहाँ खड़ा है। गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास एक माता पिता की ओर से एक प्रॉपर्टी है, इसी के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी, तो उन्होंने अपने मुख में से जीव निकाल के और ये 2 इंच की जीव, 2 इंच की जीव पर पूरा मिशन खड़ा है। नहीं हम प्रवचन करते रहे तो लोगों से मिलते रहे बोलते रहे और लोग जुड़ते रहे, सारा कमाल किसका है, वाणी का। क्या बड़ी बात है, वाणी के आगे मित्र भी है, वाणी से खूब शत्रु बन जाते हैं, उस दिन हम कह रहे थे। तो हम यदि मीठे शब्द सुनना चाहते हैं तो हमको भी क्या बोलना चाहिए, मीठा सीधी बात। तो वो एक सूत्र है व्यवहार का, आत्मन प्रतिकूलानि परेषां समाचरः। बोले बिल्कुल बढ़िया है, एकदम एक पंक्ति में बोल दिया कि व्यवहार के साथ। तो बोले जो हमको अच्छा न लगता हो वो हम दूसरे के साथ न करें। हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि आगे झूठ बोल रहा है तो फिर हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर चीज में हम लगे कोई बेईमानी कर रहा है पसंद नहीं, तो ये श्रुत्वाच अवधारिता, ये धर्म का सार है। जो हमको पसंद नहीं वो दूसरे के साथ, हम चाहते तो है कि हम सबसे प्रेम, हमको सब लोग प्रेम करें और हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे। प्लीज नियम लिखिए, आत्मा प्रतिकूल आदमी परेशान समाज। तो वो यहाँ पे प्रार्थना यही है कि आप ऐसे सौ में हमारी वाणी भी ऐसी, हमारा व्यवहार भी वैसा हो। अपावकाशिनी मतलब स्मृति मात्र अघनाशिनी, वाह बोले आपका स्मरण करने मात्र से पाप जो है वो गायब हो जाता, भगवान की याद आते ही पाप भाग जाते, कम से कम उतने क्षण के पाप करने की वृत्ति नहीं होती। विचार न सहते माया ऐसा है, ये पापों को जो है ना सत्संग वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सत्संग में आते पाप कांपने लगते कंपते, भागवत में आता है। भागवत कथा सुनने को हम जाते हैं तो पाप जो है वो घबरा जाते कि अब तो हमारा अंतिम संस्कार होने वाला है, ये ठीक से श्रवण किया हो मनन किया हो तब, नहीं तो पाप इत्यादि क्या करते हैं, आपको 2 घंटे की छुट्टी देते हैं, आप बैठिए सुनिए, हम बाहर ही मिलेगा एक सारे आ जाते हैं। यहाँ लिखते हैं अपाप काशी श्रुति मात्रे अगर पाप जो नष्ट होते हैं, ऐसी आपकी मूर्ति, ऐसे आप दिखते हैं, ऐसा आपका दर्शन है। तो जब आप इतने सारे गुणों को लेके बैठे हैं तो थोड़ा अविचारशील हमारी ओर दृष्टिपात की, मतलब ये है कि आप, हम जानते हैं बहुत व्यस्त है, इतने सारे जीवों का ख्याल रखना है, हम
हम भी उस लाइन में खड़े हो गए कि आप इधर भी थोड़ा नजर। दृष्टिपात करते ही क्या होगा? बोले शक्तिपात होगा। दृष्टिपात इज इक्वल टू शक्ति। भगवान ने देखा नहीं कि भगवान की शक्ति हमें है। आप रामचरित महाराज में पढ़िए, जहां सारे वानर लोग इकट्ठे हुए हैं और वानरों को भगवान ने ऐसा एक दृष्टि डाली, और सब वानरों में ऐसा अनुभव है जैसे उनको बल आ, शक्तिपात कर दिया भगवान ने। कल देखा ही नहीं, नजर से भी शक्तिपात हो सकता। दीक्षाएं होती है ना अलग अलग, कोई दृष्टि से दीक्षा रहता है, कोई स्पर्श से, कोई संकल्प से। तो यहां लिखते हैं भगवान आप बस थोड़ा सा देखिए, लोग गुरुदेव गुरुदेव को हम देखते थे, लोग उनकी तरफ भी देख लिया तो आज गुरुदेव ने देख लिया, आज धन्यवाद। यही बात यहां पर है, आप नजर इधर कर दीजिए। अद्वैत प्रकरण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बड़ी अच्छी गुरु वंदना है। कटाक्ष किरणाशार्थं नमन मोहाब्दरे नमः अनंतानंद कृष्णाय नमः। तो ये बड़ा अच्छा है, बोले मैं सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ जिनके कटाक्ष से, कटाक्ष कोने से, तीर से, उनके देखने मात्र से भवाब्दी भव सागर जो है वो सूख जाता है। तो क्या बढ़िया कहा उसने, आपने भी हमको देख लिया तो बस हम तो तर जाएंगे आप भी देखेंगे। समाज में देखिए, कोई बड़ा काम करना होता है तो क्या लोग बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, बस एक बार आप जरा देख लीजिए काम हो जाएगा, एक बार ऐसा है। भगवान से बड़ी पीठीय प्रार्थना है। तया नस्तनुवाचन तमया विरिचन्ता विचारिषी। फिर आगे कहते हैं या मिशुं गिरिचन्त हस्ते विवर्षस्तवे, शिवां गिरित्रतां कुरुमाहिगंसि पुरुषं जगत। अब यहाँ उसी प्रार्थना करते हैं शिव जी से कि महाराज आपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, बाण धारण किए हैं, अरे बोले शिवजी तो त्रिशूल धारण करते हैं, शिवजी पर बाण कहां से आए, बाण भी है। पिनाक हस्ताय सनातनाय, शिवजी का एक धनुष है वो क्या है, पिनाक। आप अपने हॉल में ले जाए सत्संग हॉल में, वहां शिवजी देख रहे हैं, शिवजी पार्वती, अरे हम तो देखेंगे देखिएगा वहां पे शिव जी से धन धारण। अर्जुन के साथ भगवान का एक दो बार शिव जी का ये वन में थे, तो शिव जी ये भी धारण करते हैं धनुष बाण। वो कहते हैं और एक चीन थोड़ा बदल होने के लिए एक ही एक शख्स दोनों की दो चार चीजें रखते हैं, बोले हमेशा त्रिशूल नहीं, कभी कभी धनुष बाण। तो ईशु मतलब है बाण, याम ईशुं गिरिशंत हस्ते विवर्षस्तवे, बोले आपने जीवों की ओर फेंकने के लिए हाथ में जो बाण धारण किए रखे हैं, बोले आप मत फेंकिए, हिंसा मत कीजिए, माँ हिंस किसी भी पुरुष की किसी भी जीव की आप हिंसा मत कीजिए, बल्कि आप उससे क्या कीजिए, मंगल में आप उससे मंगल कीजिए। अब देखो भगवान के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है, अपने सारे भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र, हनुमान जी के पास गदा है,
इंद्र के पास वज्र है, तो ये अस्त्र शस्त्र का क्या अर्थ है? अस्त्र शस्त्र असुरों को मारने के लिए, सरल बात है। भगवान कहते हैं डिफेंस के लिए, हम हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम उसका उपयोग करके मारेंगे। अब सैनिक के पास भी अस्त्र शस्त्र इसके लिए, ये थोड़ी कि वह है तो जिसको देखिए उसको मार रहा है, शहर में आ गया और चला रहा है तो वो तो उसको फिर सीधे जेल, शत्रु के लिए ठीक है यहां पर आक्रमण करे तो ये शस्त्र का प्रयोजन। तो यहां पर कहते हैं कि हम लोग तो आपकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, या जो लोग भी साधु प्रवृत्ति की है, प्रवृत्ति वाले लोग हैं, कृपया आप उनके ऊपर बाण मत चलाइए, क्योंकि बाण देखिए घबरा गए। शिव जी कहते हैं आपके लिए नहीं, आपके लिए आशीर्वाद है, भगवान की होती है मुद्रा आशीर्वाद, अभय मुद्रा, अभय सबके लिए नहीं है। तो बोले आप क्या कीजिए, मंगल की किसी जीव की हिंसा मत कीजिए, ऐसा है एक प्रार्थना है। एक अंग्रेज या कोई विदेश का व्यक्ति है, उसने देखा यहाँ पे सारे भगवान के पास कुछ है, त्रिशूल है किसी पास, लेकिन एक कृष्ण भगवान को देखा, बोले ये हमको सबसे प्रिय, इसके हाथ में कुछ नहीं, शस्त्र नहीं क्या है, मुरली है। तो लोगों ने कहा सावधान, मुरली से घायल कर देता है। अच्छा आप यदि श्रीमद् भागवत देखे तो उसमें भगवान ने बहुत सारे असुरों को मारा, लेकिन शिशुपाल को छोड़ के आप भी देखेंगे किसी को मारने के लिए उन्हें शस्त्र का उपयोग किया नहीं, किसी को उतना से शुरुआत की है। उतना जो अभिषेक है तृणावर्त, वह गलई ध्वज, तृणावर्त मतलब क्या, वो तूफान के रूप में है, भगवान को उड़ा ले गया, वो भगवान ने उसके गले को दबाया गया, एक शक्का बैलगाड़ी में आया था, अच्छे भगवान ने एक लात मारा, भगवान की तरह हाथ पैर सब नहीं काफी, सारे असुर ऐसे उखल बंदन लीला में वो वृक्षों का उद्धार किया। याद है कि कंस को भी उन्होंने कुछ मारा नहीं, आप ये देखे कंस के छाती में जाके बैठ गए हुए था, वो पवेलियन में बैठ के देख रहा था मल्लल, इतने नजदीक से जब उसने देखा कंस ने कृष्ण को, वो तो वहां अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान एकदम कूट जंप किया भगवान ने और सीधे उससे कंस इतना घबरा गया है, बोले एकदम उसको तो क्या हृदयाघात हो गया, हृदयाघात तो हार्ट अटैक, अब जानते कुछ करना नहीं पड़ा भगवान, हार्ट अटैक की वो पहली केस थी। बिना अस्त्र शस्त्र के भी वो कुछ कर सकते हैं, अरे केवल संकल्प मात्र आदमी का शिशुपाल के लिए जरूर उन्होंने उंगली की और उसमें क्या आ गया था सुदर्शन, क्योंकि उसने गाली सहस्त्र नाम दी थी, सम क्या कहते हैं सो गालियां माफ। भगवान को किसको मारना है किसको नहीं मारना है ये ज्ञात है, परित्राणा है साधु नाम निराशा है, मारने के लिए थोड़ी आते हैं, तारने के लिए आते हैं, प्रार्थना की कि आप हिंसा मत कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, ये वही प्रार्थना। फिर कहते हैं कि यदि कोई ऐसे इस परमात्मा को जो करुणाविधान है, जो घट घटवासी है, उसको यदि कोई जान ले तो क्या मिलेगा उसको, फिर यहां पर आएगा अमृता भवंती, सुनिए,
ततः परम ब्रह्म परम ब्रह्मंतम् यथानितायं सर्वभूतेषु गुणम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा मृता भवन्ति। बोले ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, बार बार ये आ रहा है, ज्ञात्वा जान करके क्या मिलेगा, अमृत की प्राप्ति होगी। अच्छा किसको जान करके? तो बोले परमात्मा को। अच्छा परमात्मा कौन है? तो बोले ततः परम ब्रह्म परम ब्रह्मंतम्, जो हिरण्य गर्भ का भी कारण है, हिरण्य गर्भ से भी उत्कृष्ट है। सूर्य बताया था हिरण्य गर्भ और फिर विराट, उसके पीछे जाए तो अव्यक्त जो ईश्वर है। तो बोले आप सीधा मतलब सभी कारणों के कारण है, जितने भी कारण है उनके अंतिम कारण आप है, और आप सारे भूतों में छिपे हुए हैं, समस्त शरीरों में। यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म, गूढ़म है, छिपे हुए हैं, दिखते नहीं है। भगवान ने एक बार सारे जीवों के साथ खेलना चाहा, बोले हम खेलते हैं आपके साथ, उन साथ खेल छिपते हैं कुछ लोग, फिर एक लड़का जो है सबको ढूंढता है, क्या कहते हैं लपा छिपी लुपा छिपी जो भी। तो भगवान ने भी यही कहा हम आपके साथ खेलेंगे, भगवान भी छिप रहे हैं। बोले मैं जाता हूँ कहा माउंट एवरेस्ट पर, वहां जाके छिपता हूँ, तो कोई वहां पकड़ेगा, लेकिन वहां पहुंच गए आदमी खो गया, तलवार पकड़ लिया, तेंदुआ पहुंच गया, तेंदुआ ना। भगवान ने कहा मैं चंद्रमा पे पहुंचता, वहां को छिपता हूं, वहां घुमाए, वहां भी पहुंच गया आदमी, जंगल में छिपे वहां भी पहुंच गया। भगवान ने कहा मैं ऐसे जगह छिपूंगा कि जहां पर कभी आदमी सोच भी नहीं सकता, वहां कभी वो प्रयत्न भी नहीं होता, वहां घुस गए भगवान हृदय में। अब बाहरी बार ढूंढते रहो, घूमते रह जाओ, चाहिए गुणम सर्वभूतेषु गुणम। आपको कहानी सुनाई जा रहा हूं, सुनी होगी आपने, वो एक यात्री जो एक ट्रेन में जा रहा है और उसका बहुत पैसा है, बहुत पैसा था। एक चोर जो है उसने देखा कि इनका बड़ा पैसा है, पर्स, तो वो भी उनके साथ बैठ गया, बैठ गया और सब प्रयोजन तो एक था किसी तरह ले, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, चाय बिस्किट सब खिला रहा है, पिला रहा है, अच्छी मैत्री कर ली, कर ली। अगर रात में जब सो जाएंगे तो देर से निकाल लेंगे। रात में प्रयत्न किया, सब ढूंढा, कुछ मिला नहीं। यात्रा और लंबी थी, बोले अभी एक और रात्रि का है समय, एक और बार ट्राई करें, प्रयत्न फिर किया, फिर कुछ नहीं। अब वो व्यक्ति का स्टेशन आ गया, उतरने लगा, तो चोर भी उतरने लगा, और उसने कहा मैं आपके वो साष्टांग दंडवत करना चाहता हूँ। बोले क्यों भी, क्या बोले मैं प्रोफेशनल चोर हूँ, मेरा काम ही है चोरी करना, लेकिन अभी तक मैं कभी भी असफल नहीं हुआ, आज असफल हो गया, आपने वो पर्स कहा पैसा जिसमें। उस व्यक्ति ने कहा वो मैंने तुम्हारे तकीर के नीचे रखी थी, मुझको मालूम है वहां तुम कभी भी, भगवान ने भी यही उससे सीख लिया। उसने सर्वभूतेषु, इसलिए बार बार कहते हैं अंतर्मुखी 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 सदा सुखी, सर्वभूतेषु गुणम्। और विश्वस्येकं परिवेष्टितारम्, बोले पूरे जगत को भगवान ने अपने भीतर घेर के रखा, मतलब पूरा जगत भगवान से क्या है, घिरा हुआ है। Everything is included in God.
परिवेश का। अब ऐसा यदि कोई जान ले कि वो तो हृदय में ही है, अंदर भी है बाहर भी है, बहिरंतस्थ भूता बाहर भी अंदर भी, पास में भी दूर भी, दूर भी, तदे यदि तन्ने यदि तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ईशास्य। बोले ऐसा जो जानता है वही अमृत को प्राप्त होता है। मतलब बार बार यहाँ पर देखिए स्प्रेस इस बात पर दिया गया है कि आप भगवान को परिच्छिन्न रखती सीमित रखती मूर्ति में ही हमारे पूजा घर में ही है, या फिर लोग कहते हैं वो तो बस यहाँ तिरुपति में ही है, कोई कहेगा वैष्णो देवी में ही है, कोई कहेगा और आप तो सीमित पत्ती, ठीक है आपकी श्रद्धा है इसके अनुसार आप पूजा आराधना सब की उसको सब दूर देखने का प्रयत्न किया। पीछे हमने देखा ना सर्वतो मुख सर्वत चक्षु, मतलब ये इस तरह से जब तक नहीं जानेंगे तब तक वो अमरत्व का अनुभव नहीं होगा। फायदा होगा लाभ होगा लेकिन अंतिम लाभ के लिए उन्हें ऐसी व्यापक भागवत जी ने तीन प्रकार के भक्त बताए, उत्तम भक्त मध्यम भक्त सामान्य भक्त। तो उत्तम भक्त का यही वर्णन किया और सबसे सामान्य भक्त का वर्णन किया है बोले मूर्ति में नहीं। ठीक है हम लोग अभी उपासना की क्या केजी में है, कम से कम वही केजी वर्त प्रथम कक्षा में शुरुआत तो करें ना कहीं से, तो कहीं पे एक निष्ठा बनाए लेकिन यह अंतिम यहां पर होता है विश्वस्यैकं परिवेशता। और अगले मंत्र में आप वो जो साधक है उसकी अनुभूति बताए, जो ज्ञानी है जिसने परमेश्वर का अनुभव किया वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है पूरे विश्वास से क्या वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। ये भी आपको मंत्र शायद याद आया होगा कहीं पर तो भी है पढ़ा हुआ सुना हुआ। हाँ पुरुष उत्तर है वेदाहम मेतम पुरुषम महांतम अहम वेद, मैं जानता हूं किसको जानता हूं बोले उस महान पुरुष को। पुरुष मतलब पूर्णत्वात् पुरुष, जो पूर्ण है उसको कहते हैं पुरुष। ये याद रखिएगा पुरुष श्री वाला नहीं है, पुरुष शब्द आने वाला अनेक बार आता है पुरुषोत्तम। तो पुरुष मतलब जो पूर्ण है जो महान है, ऐसे पूर्ण को मैं जानता हूं किस रूप में आत्म रूप से जानता हूं कि वो कोई दूर नहीं तो आत्म रूप से विद्यमान है और उसी ने विविध रूप लिए हुए हैं। तो जैसा जानना चाहिए वैसा जानना, ध्यान से सुनना एक बार गीता में बार बार कहते हैं जैसा मैं हूं वैसा तुम जानो, मैं चाहता हूं तुम मुझको आत्म रूप से जानो, मुझे पहले मनुष्य मानते हो क्या छोटा सा एक। अच्छा कृष्ण को भी मानने वाले ऐसे अलग अलग है, बोले हम तो लड्डू गोपाल को भी मानते बड़े वाले हैं, गीता वाले कृष्ण बोले हाँ बोले वो हमको केवल वो मुरलीधारी रास रचैया वो उसके। तो उसमें भी है कोई किशोर राम कोई बाल राम कोई राजा राम कोई वनवासी राम। अब अपने हम क्या कर रहे हैं ठीक है चलिए एक से प्रेम होना चाहिए लेकिन बार बार ये होना चाहिए व्यापक है व्यापक है। सखल सखल गोपिकानंद भवान अखिलांतरात्म दुख, गोपियां कहती है बोले हम जानते हैं कि केवल आप छोटे से नहीं है आप सारे हृदय में बैठे हुए अंतरात्मा है सब। और भगवान कहते हैं ऐसा आपने जाना तो मैं बड़ा खुश हूं, ज्ञानी तो आप में ही हो मैं। बस
सिर्फ सारा भेद ही मिटा दिया। प्रेम कली यदि साकरी तामे दुई नस, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मां, एक न्याय में दो खड़ग देखी सुनी नका। बोले प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, जहां दो न, ठीक है ना, जहां इतना तादाद हो जाएगी दोनों में एक, तो ये ज्ञानी की भक्ति ऐसी है। कहते हैं कि उसको ये ज्ञान हो गया व्यापकता का, आत्म रूप से भी उसने जाना, और आदित्य वर्णम तमसप परस्ता, ये अज्ञान के परे हैं, अंधकार के परे हैं, मतलब चैतन्य को अज्ञान भी स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, चेतन अज्ञान नहीं होता, हाँ अज्ञान का स्पर्श उसको नहीं हो सकता। जैसे इस आकाश में खाली जगह है, ये कैसा असंग है, इसमें कितनी धूल उड़े, कितना ही तूफान आए, आकाश असंगो हम, आत्मा के ऊपर कितनी ही बौछार क्यों न हो जाए, ये अविद्या काम क्रोध लोभ इत्यादि, लेकिन ये महाराज असंग अज्ञान के परे हैं। सूर्य के ऊपर कितनी बादल आ जाए, इसके प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्वयं प्रकाश। बल्कि मजेदार बात यह है, वो जो बादल दिख रहे हैं वो सूर्य के प्रकाश नहीं दिख रहे हैं, बादल का दर्शन। तो अज्ञान का भी जो ज्ञान हो रहा है किसके कारण, चेतना के कारण। अज्ञान का प्रकाशक ये चेतन ही है, तो उसको कैसे नष्ट कर सकता है। इसलिए आदित्य वर्णम तमस परस्ता, तमेव विदित्वा तम परमात्मनम, उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु इति, मृत्यु के परे जाता। और यहाँ अंतिम पंक्ति फिर से बड़ी महत्वपूर्ण है, बोले और कोई उपाय नहीं है मुक्ति का, अमरत्व का, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय का अर्थ है परम पद की प्राप्ति, मोक्ष। इसको यदि प्राप्त करना है तो आज नहीं तो कल जानना तो इस परमात्मा को ही पड़ेगा, बाकी आप कितनी उठा पटक कर ले, सिद्धियां प्राप्त कर ले, कसरत कर ले, प्राणायाम कर ले, शीर्षासन कर ले, और क्या जप तप दान दक्षिणा कर ले, लेकिन अमरत्व की प्राप्ति तो इस आत्मज्ञान से। यहां दसों बार कहिए, कितनी बार कहा गया आप जो यहां से वापस जाए तो फिर इसको पुस्तक को अलमारी में रखी, उस दिन जाता की देखिए कितनी बार ही आया, अमृता वंदति, अमृतत्व प्राप्नोति इत्यादि, और बार बार ज्ञातवा विदित्वा मत्वा, जान करके मान करके ये आया। फिर कहते हैं आगे, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित्, यस्मान्नाण्यो न जायोऽस्ति कश्चित्, वृक्ष इव शब्दो दिवितिष्ठते कः, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। बहुत अच्छा लिखा, बोले चूंकि अब इस परमात्मा से ऊपर कोई चीज है ही नहीं, इसलिए क्या करो, आप इसी को जानो, जिससे उत्कृष्ट कोई नहीं। यस्मात् परम न अपरम अस्ति, ये बेस्ट है, सबसे अच्छा है। हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो बार बार कहते हैं सबसे बढ़िया वो मान गए, वो चीज गए। हम जो है मीडिया का मतलब छोटी मोटी चीजें एकदम सब ऊंची चीज होते हैं, वो समझौता नहीं, लेकिन यहाँ खूब समझौता है, सबसे अच्छी चीजें वो कभी
जीवन में आती है। तो बोले इसको आप समझिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, ये सबसे ऊंची है, श्रेष्ठ है। जब ऊंची है, श्रेष्ठ है, इसका मतलब क्या है? सबसे अधिक आनंद है ना। जब आप कोई अच्छी चीज लेते हैं तो उसका सीधा अर्थ क्या होता है? ज्यादा उसकी लाइफ है, ज्यादा उसके गुण है, ज्यादा वो हमको सुख देगी। ये है ना, बेस्ट का मतलब क्या होता है? सब दृष्टि से अनुकूल, भगवान सब दृष्टि से अनुकूल है। तो इसमें गुण भी है, ज्ञान भी है, आनंद भी है, शक्ति भी है, अब बताइए तो इसको क्यों नहीं चाहे? यस्मा परम ना परम किंचित प्रागे लिखते हैं न अनीय न जायम सी कृष्ण। बोले इस परमात्मा से न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है। बड़ा कोई नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन छोटा नहीं है क्यों? परमात्मा हम सब छोटे हैं। क्या लिखा है? अणीय और जाय। जाय मतलब श्रेष्ठ, अणीय मतलब छोटा। परमात्मा से न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, क्यों? इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर ये है कि उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो फिर क्या छोटा और क्या बड़ा? छोटा भी वही है, बड़ा भी वही। मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बने हुए हैं, तो खिलौने में अलग अलग क्या? स्त्री पुरुष पशु पक्षी, या फिर आप पेंटिंग देख लीजिए, कोई चित्र अगर चीटी भी है तो वो भी रंगी है, और कोई गरुड़ पक्षी है तो वो भी वही है। तो कोई खिलौने होते हैं, शक्कर के खिलौने, सब शक्कर ही शक्कर। वो एक व्यक्ति एक से मिलने गया तो चाय पीने के लिए, बोले हाँ चाय पिला दे। वो पत्नी को इशारा किया वही चाय पिलाई, तो वो पत्नी ने भी इशारा किया, पति जो समझ गए अभ्यास से वो चाय इशारे। तो पति देव ने कहा ऐसा है ठीक है, कुत्ता और बिल्ली डाल दो, उसने बना दो चाय। क्या वो अच्छा? फिर वो व्यक्ति बातें करने लगा उससे, हाँ कैसे हैं आप, कैसे कहा? अब उस पर ध्यान बातों में था, ये कौन सी चाय है वाली? बार बार उधर ही देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो चाय बन के आई तो लीजिए आप, तो वो कहता नहीं आप लीजिए, देखना चाहता है कुछ भूख ले रहा है इसमें, बराबर कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे भी बड़ा हिम्मत करके, अरे वाह कितनी बढ़िया है। फिर उसने कहा कि मुझको ये समझ में नहीं आया कि कुत्ता बिल्ली ये क्या चाय में। वो इतना जोर से ऐसा वो व्यक्ति उसकी मुंह की चाय तो उसको पड़ी। वो बोले यार कह रहे बात इसी थी कि शक्कर जो है खत्म हो गई थी, तो शक्कर के खिलौने कुछ लाए थे मेरे में से, तो पत्नी को कहा हुआ था। तो इन दोनों को तो ज्ञान था कि नानात्व में एक ही तत्व है, वह शक्कर। लेकिन बेचारे उसको कोई मालूम नहीं था, इसलिए परेशान हो गया। तो ये उदाहरण क्यों दिया गया? शक्कर के अलावा है ही नहीं वो। बोले आप नाम कुछ बोल रहे हो, रूप कुछ है, लेकिन एक ही जैसे कहते हैं मृत्तिका इत्येव सत्यम, जितने भी क्या है सुराही है, मठ है, घट है, मटका है, विचार क्या वाचा रमण विकारो नाम दे सकते मृत्तिका। तो यहाँ पर वही बात कही कि कोई उसके अलावा है ही नहीं, तो न छोटा न बड़ा, बड़ी बढ़िया बात। और वृक्ष ही वह शब्दो द्वितीय, इससे मतलब ये है कि हमको न तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, न हीन भाव होता है, न न्यून भाव, या उत्कृष्टता का भाव। भगवान के प्यारे अज्ञान के कारण बिना विचार मैं ही सब बना हुआ,
वृक्ष शब्द भगवान कहते हैं तो वृक्ष के जैसे स्थिर वचन और दिवी दिवी मतलब प्रकाश रूप है, ज्योतनात्मक है। और आपसे ही क्या फिर से आया, पुरुषेण सर्वम इदम पूर्णम, इस पुरुष के द्वारा ही पूरा जगत भरा हुआ है। स्वामी अखंडा निवारण का एक शब्द होते हैं, कोई चीज ठसाठस भरी होती है, जैसे हम जब यात्रा करते हैं तो ठसाठस सामान जमा रहते हैं, बैग वो जो ठीक से बंद ही नहीं होता, फिर अपने बच्चे को बेडरूम से फिर लॉक लगाया इतना सामान, उसमें टूथपेस्ट रखने की जगह नहीं, ठसाठस। तो अखंडा जी महाराज कहते थे कि भगवान की सब ठसाठस बनाओ पूरे सृष्टि, कोई कोना उससे छोड़ा नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तरह देख धरे धनु बाना, स्वर्ग में भी नरक में बड़े जिधर देखो उधर धनु बाण खड़े सर्व। तो ये तीने दम पूर्णम सर्व उससे ही व्याप्त है, फिर सुनने मात्र से कितना अच्छा लगता है, यदि हम जी जाए तो फिर एक अंश में थोड़ा भी हम देख लिया। यदि मनुष्यों में पशु पक्षी में हमको नहीं दिख रहा है तो प्रकृति में हम देखें, यही से शुरुआत करें, पशु पक्षी में देखें, वनस्पति में देखें, क्रम से इस तरह यहां पे ये व्यापकता बताई। और फिर लिखते हैं कि यदि आपको यदि दुखी रहना है तो ये बिल्कुल मत, ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम य एतद विदु अमृताः ते भवन्ति अतः इतरे दुःखमिव अभिः। जो लोग इस परमात्मा को जानते हैं समझते हैं वो तो दुखी नहीं होते, इतरे इतर लोग जो है वो दुखी होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।